आई विल बी फर्स्ट स्टार्टिंग विद द बेसिक्स ऑफ कॉन्टीन्यूटी एंड उसके बाद हम क्वेश्चन उसके सॉल्व करेंगे टू उसको और ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए एंड देन वी विल मूव टू डिफ्रेंशियबिलिटी पार्ट सिमिलरली जैसे हमने कंटिन्यूटी में करा होगा हम डिफ्रेंशेबिलिटी में भी पहले बेसिक्स समझेंगे उसके बाद उसके बेसिक्स के आज पर हम एनसीआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन सोल्व करेंगे ताकि आपको और ज्यादा अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए सो लेट्स स्टार्ट विथ कंटिन्यूटी हम कंटिन्यूटी के बेसिक्स के साथ स्टार्ट करते हैं आप समझ सकते हो एज पर द नेम ही आपको समझ आ रहा है कंटिन्यूटी से कि वर्ड से ही समझ आ रहा है कि कुछ ना कुछ कंटिन्यूस होगा क्या होगा कुछ ना कुछ कंटिन्यूअस होगा सो so, मैं थोड़े ग्राफ्स बनाती हूं एंड आपको इससे और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा जैसे कि हमारा एक ये ग्राफ है तो आपको ग्राफ देख के पता चल रहा है कि ग्राफ कंटिन्यूस है कि नॉन कंटिन्यूस है ये ग्राफ स्टार्टिंग से लेके एंड तक चला है मेरा बेसिकली पेन नहीं उठा और एक बार भी स्टार्टिंग पॉइंट्स से एंड पॉइंट तक मैंने प्रॉपरली ग्राफ बनाया तो ये मेरा ग्राफ क्या हुआ ये मेरा कंटिन्यूस ग्राफ हुआ ओके एक और ग्राफ बनाती हूँ जैसे ये ग्राफ हुआ अब आप बताओ कि ये ग्राफ कंटिन्यूअस है कि नॉन कंटिन्यूस है देख के ही पता चल रहा है आपको कि जब मैंने स्टार्टिंग पॉइंट से ये ग्राफ बनाया देन मेरा पेन उठा एंड मैंने दूसरे पॉइंट से दोबारा ये ग्राफ को बनाया तो ये मेरा नॉन कंटिन्यूस ग्राफ है तो अब आपको ये समझ आ रहा होगा कि ये नॉन कंटिन्यूस ग्राफ है तो इसका मतलब ये है कि ये ग्राफ पूरा ही नॉन कंटिन्यूस है ऐसा तो नहीं है क्योंकि ये ग्राफ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक तो कंटिन्यूस है सिमिलरली इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक भी कंटिन्यूस है ब्रेक कहाँ आया इस पर्टिकुलर रीजन में तो ये मेरा ग्राफ इस पर्टिकुलर रीजन में नॉन कंटिन्यूस है तो अब हमें जब मैथ्स में इस चैप्टर में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो हमने यही क्वेश्चन आएंगे कि हमें कुछ फंक्शंस गिवन होंगे उस फंक्शंस को हमें देख के बता सॉल्व करके बताना है कि वो फंक्शंस कंटिन्यूस है कि नॉन कंटिन्यूअस है और अगर वो फंक्शन नॉन कंटिन्यूअस है तो हमें उसमें पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताने की वो फंक्शन कौन कौन से पॉइंट पे नॉन कंटिन्यूअस है ओके okay? so, जैसे कि मैंने फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू की ये मेरा पॉइंट थ्री है तो ये मेरा मैं देख के ऐसी ग्राफ से बता सकती हूँ रफली कि मेरा ये ग्राफ जो है ये नॉन कंटिन्यूस होगा एट x इज इक्वल्स टू थ्री ऐसे ही हमें कुछ क्वेश्चंस में बताना होगा कि अगर वो ग्राफ नॉन कॉन्टिन्यूस है तो वो कौन कौन से पॉइंट्स में नॉन कॉन्टिन्यूस है तो ग्राफ देख के तो आपको पता चला अब मैं कुछ बेसिक फंक्शन एग्जाम्पल लेती हूँ बताने के लिए कि वो ग्राफ आप बताना वो फंक्शन कंटिन्यूस है कि नॉन कंटिन्यूस है तो पहला हम एक एग्जाम्पल लेते हैं फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स ओके okay, सो so, अब क्या करना है हम फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हमने एग्जाम्पल कंसिडर किया तो अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं आपको पता होगा हमने क्लास नाइन्थ में पढ़ा था कि हम इसको वाई इज इक्वल्स टू एक्स भी लिख सकते हैं हम वाई इज इक्व टू एक्स का कैसे ग्राफ बनाते थे नाइन्थ स्टैंड में आपको पता है कि हम x और y के दो कोई भी पॉइंट्स कंसिडर कर लेते हैं कि हम एज्यूम करते हैं अगर हमने एक्स को वन दिया तो वाई की वैल्यू क्या आएगी जैसे इसमें में वन आएगी सिमिलरली एक्स की वैल्यू थ्री तो वाई की वैल्यू भी थ्री आएगी माइनस वन माइनस वन ऐसे हम कुछ भी करके पॉइंट्स कंटिन्यूस लेते थे और वो पॉइंट्स को प्लॉट करते थे ग्राफ में तो हमारा इक्वेशन की लाइन बन जाती थी तो ये मेरा वाईज इक्व टू एक्स का ग्राफ है तो आपको देख के पता चल रहा है कि ये स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ये ग्राफ मेरा कंटिन्यूस है तो मेरा वाईज इक्वल टू एक्स फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है सिमिलरली मैं एक और लेती हूँ नाइन्थ स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि स्क्वायर का जब हमारा x square का बना था वो मेरा पैराबोलिक बना था तो इसका वाइज इक्वल टू एक्सक्वायर का हमारा ऐसा ग्राफ होता था तो आपको भी ये भी देख के पता चल रहा है कि ये मेरा ग्राफ कंटिन्यूस है ओके okay. अब थर्ड मेरा एक फंक्शन लेते हैं हम थर्ड मेरा एक फंक्शन लेते हैं हम एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स तो मॉड एक्स का बनाते हैं तो आपको पता है मॉड एक्स का ग्राफ भी हमारा ऐसे बनता है तो ये भी मेरा कंटिन्यूस है कहीं पे भी पॉइंट मेरा पेन नहीं उठ रहा अब एक और फंक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं जैसे हमारा एक फंक्शन ऑफ एक्स लेते हैं इसे हम दो टर्म्स में लेते हैं कि अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू जीरो है तो मेरे फंक्शन वाई की वैल्यू या फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू वन है और अगर मेरे x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो इसकी वैल्यू अगर हम टू कंसिडर करते हैं तो हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो इसका ग्राफ इजीली आपका बन जाएगा हम पॉइंट्स प्लॉट करते हैं जीरो वन टू माइनस वन माइनस टू सिमिलरली वाई ग्राफ लाइन में भी वन टू माइनस वन ओके अब मैंने ये पॉइंट्स प्लॉट करे तो अब आपको बताना है कि अगर लिखा होगा दिख रहा है कि अगर एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू जीरो है अगर एक्स की वैल्यू जीरो से कम और इक्वल टू जीरो है तो इसकी वैल्यू y की वन है और अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो इसकी वैल्यू टू है और अब x के ऊपर जब x की वैल्यू जीरो है तो उसकी वैल्यू वन है तो हमेशा इंक्लूड हो रहा होता है तो हम डॉट जो बनाते हैं वो कवर्ड होता है और अगर वो इंक्लूड नहीं हो रहा होता तो हम ऐसे बनाते हैं उसे कवर नहीं करते इसका मतलब होता है कि नॉट इंक्लूडेड इसका मतलब होता है इंक्लूडेड तो आप ग्राफ को देख के बता सकते हो अगर मेरा ग्राफ ऐसे बन रहा है एंड देन मैंने पेन उठाया तो ये मेरा ग्राफ क्या है ये मेरा ग्राफ नॉन कंटिन्यूस है ओके okay. सो so, मैंने कुछ एग्जाम्पल लेके बताया तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं बट जैसे मैंने जो आपको भी मेथड कवर किया है इट डजेंट मीन कि अगर आपके पेपर में कोई क्वेश्चन आ रहा है कि फंक्शन गिवन है और आपको बताना है कि वो फंक्शन नॉन कंटिन्यूस है या कंटिन्यूस है तो आप उसमें ग्राफ बना के देखोगे जो मैंने भी एग्जाम्पल्स दिए वो मैंने बहुत बेसिक फंक्शन के लिए जिसके हमें ग्राफ ऑलरेडी नोन थे पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े फंक्शन होंगे वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होंगे तो उसमें आप ग्राफ हर फंक्शन पे बना के नहीं देख सकते वो बहुत लेंदी प्रोसीजर आ जाता है तो हम क्या करते हैं बेसिकली उस केस में हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यूजिंग लिमिट्स लिमिट्स का आई नो यू वुड बी वेरी मच फेमिलियर लिमिट्स से बिकॉज इलेवेंथ स्टैंडर्ड में वो कवर किया ही था आपने बट इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है या कुछ भी प्रॉब्लम है लिमिट्स लेके सो नो इश्यूज मैं जब लिमिट्स को अभी लेकिन अभी स्टार्ट कर रही हूँ इसने समझाने के लिए तो अब मैं बहुत बेसिक से बताऊंगी ताकि आपको क्लियर हो जाएगा आपको इलेवेंथ में कुछ भी डाउट था लिमिट्स में ओके सो वट लेट्स स्टार्ट विद द लिमिट्स पार्ट सो लेट्स स्टार्ट विद द लिमिट्स पार्ट लिमिट्स में क्या था आपको पता होगा कि हम लिमिट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं आइर हम रिप्रेजेंट करते हैं एज लिमिट लाइक एक्स अप्रोचेस टू टू या एल टी एक्स अप्रोचेस टू टू हम इसको कहते हैं आइदर अप्रोचेस टू और टेंड्स टू इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं होता कि एक्स की वैल्यू टू है बिल्कुल भी नहीं इसका मतलब होता है कि जो आपकी x की वैल्यू है वो टू के बहुत ज्यादा ही क्लोज है तभी तो पता चल रहा है टेंस टू और अप्रोचेस टू का मतलब कि वो बहुत ज्यादा टू के आसपास पास है क्रॉस उसके बहुत ज्यादा ही क्लोज है ये नहीं है कि एक्स की वैल्यू टू है तो कभी भी कंफ्यूज मत होना अब हमें किसी भी फंक्शन को अगर प्रूफ करना है या फाइन करना है कि वो कंटिन्यूस है या नॉन कंटिन्यूस है तो बेसिकली वी यूज द कंसेप्ट ऑफ लिमिट्स हम एक एग्जाम्पल लेते हैं लिमिट्स के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे हम लिमिट्स के साथ प्रूफ करते हैं तो मैंने जैसे आपको अभी नॉन कंटिन्यूस के लिए बदलाया था एक फंक्शन वही दोबारा लेते हैं एफ एक्स का कि अगर एक्स की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू जीरो है तो वन है वैल्यू और अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो वैल्यू है टू तो हम ये वाला ही फंक्शन लेके एग्जाम्पल का प्रूफ करते हैं तो मैंने ग्राफ बनाया था तो ग्राफ बनाते हैं सबसे पहले दिस वॉज टू एंड दिस वॉज वन जीरो वन टू माइनस वन ये मैंने ग्राफ बना दिया इसी का फंक्शन का अब हम प्रूफ करते हैं कि हम फाइंड कर कि एक, ये हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है कि नॉन कंटिन्यूस है हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारा फंक्शन कौन से पॉइंट पे डिफाइंड हो रहा है तो आप क्वेश्चन को देख के ही बता सकते हो कि हमारा फंक्शन जो है वो डिफाइंड हो रहा है जीरो पर तो हम चेक करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू जीरो हम चेक करेंगे x इज इक्वल टू जीरो पे कि हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है कि नॉन कंटिन्यूस है ठीक है तो अगर हमें चेक करना है तो मैं आपको बताता हूँ लिमिट्स में हम क्या करते हैं लिमिट्स में हम वैल्यूज देखते हैं जो उसके बहुत ज्यादा क्लोज है तो अगर हमें x इज इक्वल टू जीरो पे चेक करना है तो हम चेक करेंगे कि एक्स इज इक्वल फंक्शन की वैल्यू एट इज इक्वल टू माइनस जीरो पॉइंट जीरो जीरो नाइन नाइन पे वैल्यू क्या है और प्लस जीरो पॉइंट जीरो 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 वन पे क्या वैल्यू है ऐसे हम फाइंड करेंगे कि अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू फाइंड करेंगे कि वो वैल्यू जो है वो सेम आ रही है कि नहीं आ रही बेसिकली ये लिमिट्स के टर्म में हम इसको लिखते हैं एज लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो माइनस जीरो माइनस का मतलब है कि जीरो से थोड़ी सी कम सिमिलरली इसी में हम कैसे लिखते हैं एज लिमिट्स के टर्म में लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो प्लस या टेंस टू लिमिट एक्स टू जीरो प्लस मतलब जीरो से थोड़ी सी ज्यादा है तो इसको हम बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं एस एल एच एल मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और सिमिलरली इसपे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एस आर एच एल मतलब राइट हैंड लिमिट बेसिकली हम कुछ नहीं करते हम क्या करेंगे बस हम तीन वैल्यूज निकालेंगे किसी भी फंक्शन की जिस पॉइंट पे हमें फंक्शन को प्रूव करना है कि वो कॉन्टीन्यूस है या नॉन कॉन्टीन्यूस है तो हम तीन वैल्यू निकालेंगे क्या जैसे हमें एक्स इक्वल्स टू जीरो पे चेक करना है तो हम तीन वैल्यू निकालेंगे पहले तो हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे उस पॉइंट पे मतलब फंक्शन जब x की वैल्यू जीरो है दूसरा हम एल एच एल निकालेंगे उस पॉइंट पे मतलब लिमिट x अप्रोच टेंड्स टू जीरो माइनस मतलब जब फंक्शन की वैल्यू जीरो से थोड़ी सी कम है और हम आरएचएल निकालेंगे जब लिमिट जब x की वैल्यू जीरो से थोड़ी सी ज्यादा है तो ये तीनों वैल्यू निकालेंगे हम और अगर ये तीनों वैल्यू इक्वल होती है तो मतलब हमारा फंक्शन जो है उस पॉइंट पे कंटिन्यूस है अगर वो तीनों वैल्यूज इक्वल नहीं होती तो वो फंक्शन जो होता है वो हमारा नॉन कंटिन्यूस होता है उस पॉइंट पे ओके सो अब हम निकालते हैं ठीक है तो सबसे पहले हम फंक्शन ऑफ जीरो निकालते हैं तो फंक्शन ऑफ जीरो निकालना है हमें जब एक्स की वैल्यू जीरो है जब x की वैल्यू जीरो है तो आप फंक्शन ऑफ x पे ही देख सकते हो कि आपकी जब x की वैल्यू जीरो थी जब हमने इंक्लूड किया था तो x की वैल्यू वन थी तो फंक्शन ऑफ जीरो की वैल्यू क्या आई हमारी वन फंक्शन ऑफ जीरो की वैल्यू आई हमारी वन सिमिलरली अब हमें एल एच एल निकालना है लेफ्ट हैंड साइड जब लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो माइनस फंक्शन ऑफ x की वैल्यू निकालनी है तो जीरो माइनस मतलब जब x की वैल्यू जीरो से थोड़ी सी कम है तो जीरो से थोड़ी सी कम जब वैल्यू होगी तो क्या आएगी हमारी वैल्यू जब जीरो से कम है तो वन तो इसकी वैल्यू भी हुई हमारी वन अब हमें आरएचएल निकाला है आरएचएल जब लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस फंक्शन ऑफ x जब x फंक्शन ऑफ x की वैल्यू जीरो से थोड़ी सी ज्यादा है जब जीरो से थोड़ी सी ज्यादा है मतलब जीरो से बड़ी है तो x ग्रेटर देन जीरो तो टू तो है तो क्या ये आरएचएल की वैल्यू टू तो आप देख के बता सकते हो कि आपका फंक्शन ऑफ जीरो जो है वो एल एच एल की इक्वल तो है बट वो आपके आर एच एल के इक्वल नहीं है तो ये आपकी तीनों वैल्यूज जो है वो इक्वल नहीं है तो क्या है आपका फंक्शन जो ऑफ एक्स जो है आपका यहाँ फंक्शन जो है आपका इस नॉन कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स तो टू जीरो ओके okay. सो so, थोड़ा और अंडरस्टैंड करने के लिए अब हम एक्स की वैल्यू ना किसी और पॉइंट पे निकालते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए तो अब हमने एक्स इज इक्वल्स टू जीरो पे निकाली तो अब हम निकालते हैं एट एक्स इज इक्वल्स टू टू एक्स इज इक्वल्स टू टू पे हम चेक करते हैं कि हमारे फंक्शन की वैल्यू मतलब हमारा फंक्शन जो है वो डिसकन्टिन्यू नॉन कंटिन्यूस है या कंटिन्यूअस है तो निकालते हैं एट एक्स इज इक्व टू टू निकालते हैं तो आपको क्या करना है सबसे पहले आपको फंक्शन ऑफ टू की वैल्यू निकालनी है तो आपको पता ही है आपका फंक्शन ऑफ टू मतलब आपकी एक्स की वैल्यू टू होगी तो जब आपकी एक्स की वैल्यू टू आ रही है तो आपका जो क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन था एफ एक्स जो है आपका वो आपका वन है जब आपकी एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू जीरो है और टू है जब एक्स की ग्रेटर देन जीरो है तो अब अगर आपका फंक्शन ऑफ टू आपकी जब एक्स की वैल्यू टू है तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन जीरो है तो आपकी फंक्शन ऑफ टू टू हुआ अब हमें एल एच एल निकालना है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू थोड़ा सा कम फंक्शन ऑफ एक्स जब आपकी एक्स की वैल्यू टू से थोड़ी सी कम है जस्ट लाइक अगर वन पॉइंट नाइन 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 कुछ है तो आपकी क्या वैल्यू आएगी आपकी वैल्यू आएगी टू ही क्योंकि जीरो से तो बड़ी है टू अब आपको क्या निकालना है अब आपको निकालना है आरएचएल मतलब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू प्लस एफ एक्स मतलब टू से थोड़ी सी बड़ी लाइक टू पॉइंट जीरो 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 वन टू पॉइंट जीरो 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 बड़ी है तो क्या आई टू अब आप देख सकते हो कि आपकी तीनों वैल्यू फंक्शन ऑफ टू एल एच एल एट एक्स इज इक्वल थोड़ा सा कम और थोड़ा सा ज्यादा वो सब इक्वल है तो क्या है आपका फंक्शन जो है वो आपका कंटिन्यूस है कहां पे कहाक्वल्स टू टू ओके सो ये मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया सो so जैसे मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया कि कैसे हम एक्साम्पल के थ्रू हम प्रूव कर सकते हैं एल एच आरएचएल और फंक्शन के निकाल के आपको हर क्वेश्चन में बेसिकली यही मेथड यूज करना है कि आपका निकालने के लिए कि वो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है कि नॉन कंटिन्यूस है सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एक्सरसाइज सोल्यूशन एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेते हैं उसको सॉल्व करेंगे तो आपका कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आई होप आपको बेसिक्स ऑफ कंटिन्यूटी समझ आ गया हो कि कंटिन्यूटी होता कैसे और हम कैसे निकालेंगे क्या बेसिक स्टेप्स हमें परफॉर्म करने होते हैं So most important part in case you have any query or any question related to this topic please write down in the comment section thank you